मोमिन के मोमिन पे 6 हक हैं, आप वो हकूक सुनेंगे और हम अगर उस पे अमल कर लें तो रसूलुल्लाह सल्लम की जात ने पूरे आलम इस्लाम को ऐसा मुआशरा तरतीब दे दिया है कि जिसमें न कुछ जंग हो सकती है, न झगड़े हो सकते हैं, न दुश्मनियां पैदा हो सकती। काश कि हम इन पे अमल करें। वो क्या है? आकादो जहां ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन बीमार हो जाता है तो मोमिन उसकी इयादत के लिए जाता है। इयादत का इतना अजर और सवाब है कि अगर कोई शख्स सुबह इयादत करता है किसी मरीज की मोमिन की, शाम तक 70,000 फरिश्ते उसकी मगफरत की दुआ करते। अगर शाम को किसी की इयादत करता है, सुबह तक 70,000 मलाइका उसकी बख्शिश की दुआ करते। और जब तक वो मरीज के पास बैठा रहता है, इमामुल अंबिया फरमाते हैं वो अल्लाह की रहमत के दरिया में मुस्तकरक रहते। आका ने फरमाया दूसरा मोमिन का हक ये है कि वो फौत हो जाए तो मोमिन उसके जनाजे में शरीक होता है। शरीक होना चाहिए, तबा कुर्सी करनी चाहिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है, ताल्लुक बनता है। तीसरा इरशाद फरमाया, जब मोमिन मोमिन से मिलता है तो उसे सलाम कहता है। सलाम क्या है? मिलने वाले से बंदा दुआया कलिमात कहता है, आप पे अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सलामती हो, उसकी रहमतें और बरकतें होंगी। और वो इसी तरह सरकार दो जहां वाली ये कौल मकान शाद फरमाते हैं, जवाब में मोमिन उससे भी अच्छा जवाब दे। अगर वो ये तमाम अल्फाज इस्तेमाल कर ले फिर मोमिन मुस्कुरा के उसे जवाब दे, ये उसका जवाब उसके सलाम से बेहतर हो। इमाम अंबिया ताजदर मदीना सुर कल्ब उसीना इरशाद फरमाते हैं, तीसरा हक ये है कि वो उसे पुकारे, बुलाए या दावत दे, उसकी वो दावत को कबूल करे या उसके सवाल बुलाने को कबूल करते हुए उसको उसका जवाब दे। चौथा हक क्या है? आका दो जहां ताजदर मदीना इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन का मोमिन पे ये हक है, उसे छींक आए और वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह तो ये उसको जवाब दे, यहदीकुमुल्लाह या यरहमकुम, उसे जवाब दे, ये उसका हक है। आका दो जहां हुजूर सैयद कायनात इरशाद फरमाते हैं मोमिन का मोमिन पे ये भी हक है कि वो उसे जिस वक्त गैब पाए उसकी खैरखाही करे, मौजूद हो तो तब भी, पुश्त पीछे हो तो तब भी। खैरखाही का क्या मकसद है? किसी भाई मुसलमान का नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान ना होने दे, कोई मुसलमान का गिला शिकवा कर रहा है तो मत लगा, वो उसे रोके, ये मोमिन के मोमिन पे हक है। बीमार हो तो तबा कुर्सी करे, फौत हो जाए तो जनाजे में शिरकत करे। सरकारे दो जहां वाली ये कौन मकान का इरशाद गिरामी है कि जो शख्स किसी के जनाजे में शरीक होता है अल्लाह पाक उसे एक किरात बराबर सवाब अता कर। असाबे रसूल ने अर्ज किया रसूलल्लाह वो किरात क्या है? सरकार ने फरमा ओहद पहाड़ बराबर सवाब है। अगर वो उसकी तदफीर में शामिल होता है तो अल्लाह पाक इस सवाब को डबल कर देता है। ये मोमिन के मोमिन पे 6 वो हकूक है जिससे एक ऐसा माशरा, ऐसी सोसाइटी जन्म लेती है कि जिसमें इत्तेहाद, इत्तेफाक, मोहब्बतें और आपस में यकीन। ये ऐसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबक दिया है और हमारी तरबियत फरमाई है ताकि हमारी लड़ाइयों के खदशात खत्म हो जाए, इख्तलाफात मिट जाए। आइए आज से हम फैसला करें, तहिया कर लें कि जो सुनहरी उसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें माशरे को बेहतर करने के लिए 6 अता फरमाए, हम उन पर अमल करें।